मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में अगर 2 से 6 लाख 2-4 लाख रुपए इकट्ठे आ जाते हैं तो आपका होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है कि कहाँ से इतना पैसा आया हुआ है। तो यही नियम आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हें जो चंदा मिलता है उस पर क्यों लागू नहीं होता है? कई बार आपने देखा होगा कि हमारे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनने भी कहा है कि इनका एक तरह से चंदा जो भी इन्हें मिलता है इसका खुलासा होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। कई बार आपने देखा है कि जो चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में सूचना एक तरह से न्यूज़पेपरों में भी डाली जानी चाहिए कि इस पर कितने राजनीतिक, यानी कि कितने हत्याओं के केस हैं, इसकी क्या बैकग्राउंड है, कम से कम आपको मालूम रहेगा तभी तो आप उसे चुनेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस पर सभी पार्टियां क्या होती हैं, चुप हो जाती हैं। जब बात होती है महिलाओं को आरक्षण की तब भी आपने देखा होगा कि सभी पार्टियां चुप हो जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग? और जब आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई भी सुधार की बात हो, अच्छा सा सुधार जो देश के हित में हो, तब सभी पार्टियां एक हो जाती हैं, समझ रहे हैं? तो अभी क्या हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने के लिए प्रमुख संस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से चंदा देने वालों के विवरण का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है, यह इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। याद रखिए सूचना का अधिकार वही है, अन्ना हजारे की देन है, एक तरह से उन्हीं के आंदोलन के उपरांत ये मिला हुआ था, ठीक है? इसके तहत आपको विस्तार से हम लोग बात भी कर चुके थे, इसके तहत आप कहीं से भी कोई सूचना मांग सकते हैं। मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं, वहां कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में भी आप लोग जानकारी मिल सकती है आपको, या कोई आपका काम नहीं हो रहा है तो उसके बारे में भी आप लोग जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि आखिर ये कहाँ फंसा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इस तरह की जानकारी आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें अपवाद भी है। क्या है अपवाद? कि जो देश की एकता अखंडता और एक तरह से प्राइवेट के, यानी कि आप नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में पूछने लगे, कई बार ऐसा हुआ भी है, तो वहां इसे रोक दिया जाता है कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने से पहले उस व्यक्ति से पूछना जरूरी होता है। मान लीजिए आपके बारे में, हमें परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और मैं सूचना का अधिकार डालूं, तो जब तक आप उस पर सहमति नहीं देंगे तब तक उसके बारे में सूचना मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है? एक सामान्य जानकारी है। इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नागरिकों और कॉरपोरेट्स को भारतीय स्टेट बैंक SBI से मौद्रिक उपकरण खरीदने, उन्हें राजनीतिक दलों को दान करने की अनुमति देती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार जनवरी 2020 तक राजनीतिक दलों को 6,210.39 करोड़ रुपए के कुल 12,452 इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्या करते हैं कि SBI बेचती है, और कई जो व्यक्ति होते हैं, एक तरह से आप समझिए नागरिक भी खरीद सकते हैं, कई कंपनियां भी खरीदते हैं। आपने BJP को आपको पैसा देना है एक तरह से, तो इन्हें खरीद सकते हैं, या कांग्रेस को देना है, या किसी भी पार्टी को आपको देना है, ठीक है? अगर बात करें हम लोग, केंद्रीय सूचना आयोग ने पाया कि दानदाताओं और लोगों के नामों का खुलासा ITI अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ej) में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण हो सकता है। उक्त धारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी व्यक्ति या उसके प्रत्ययी संबंधों के संदर्भ में नागरिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए छूट देती है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि इस तरह की जानकारी का खुलासा करने में एक बड़ा सार्वजनिक हित निहित है। यानी कि आप समझिए कि जो यहाँ का जो अधिकारी होगा वो एक तरह से तय करेगा कि ये जानकारी देने लायक है या नहीं देने लायक है। एक प्रत्ययी वह व्यक्ति होता है जो एक या फिर अधिक अन्य पक्षों, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ कानूनी या नैतिक संबंध रखता है। राजनीतिक दलों को जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी SBI द्वारा एक प्रत्ययी क्षमता के अंतर्गत प्राप्त की जाती है, और इससे पहले जनवरी 2020 में CIC ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत दान देने वाले वे ऐसे दानदाताओं का नाम प्रकट करें जो यह चाहते हैं कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए। एक तरह से अगर वो चाहते हैं कि हमारी जानकारी सामने ना जाए तो उनका नाम बताएं, ठीक है? चिंताएं क्या है इसमें? आखिर चिंताएं क्यों जताई जा रही है? काला धन, कॉरपोरेट दान पर 7.5% की कैप का उन्मूलन, लाभ और हानि के संबंध में राजनीतिक योगदान को प्रकट करने की आवश्यकता का उन्मूलन और प्रावधान को समाप्त करने की एक नियम को अस्तित्व में 3 वर्ष तक होना चाहिए, और इस योजना के आशय
को रेखांकित करता है। कोई भी संकटग्रस्त या समाप्त होने की कगार पर खड़ी कंपनी एक राजनीतिक पार्टी को गुमनाम रूप से असीमित राशि दान कर सकती है, जो उसे किसी चीज के बदले में दिए लाभ या टैक्स हेवन देशों में जमा की गई नकदी के व्यापार के लिए एक सुविधाजनक चैनल दे सकती है। एक बात आप लोग हमेशा देखिए, अपनी राजनीति में बड़े बड़े घरानों का एक तरह से मेल जोल होता है, वो इन्हें चंदा देते हैं। चंदा देखिए, आप किसी को आपका स्वार्थ ना छिपाओ तो आप कभी नहीं देंगे। तो चाहे मुकेश अंबानी हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, वो क्या करता है कि उस पार्टी को मदद करता है, पार्टी उसके बदले में उन्हें कुछ देती है। एक समय आपको बताऊं कि देखिए, राजनीति में अपराधीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण ये अलग अलग थे। एक समय क्या हुआ करता था कि मूवी कई बार आप लोग देखते हैं, उसमें देखता देखा होगा एक नेता लड़ रहा है चुनाव, गुंडा उसकी मदद कर रहा है वोटिंग बूथ करने के लिए एक तरह से, या जो भी हो इस तरह की डराने धमकाने के लिए। लेकिन इन जो भी गुंडे हुआ करते थे, हत्यारे हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे, उनके दिमाग में एक सवाल आया कि आखिर मैं चुनाव दूसरे को जिता सकता हूं तो अपने आप को क्यों नहीं जिता सकता हूं। तो फिर आपने देखा है कि यही लोग चुनाव लड़ने लगे। और आज आप लोकसभा देख लीजिए या फिर विधानसभा में देख लीजिए, नीचे से लगाकर देख लीजिए, सरपंच, फिर नगर पंचायत, जो भी है आपका विधायक विधायक जो भी, इनमें आपको देखने को मिलेगा 60% 70% दागी विधायक मिलेगी, जिन पर या तो हत्यारे का केस चल रहा है, या फिर आप डकैती का, या फिर आप देखेंगे एक तरह से लूट पूट का, या एक तरह से आप कह सकते हैं बलात्कार का। आप समझ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो एक समय पर क्या करते थे, डायरेक्ट चुनाव में भाग ना लेकर दूसरे को जिताने के लिए प्रयास करते थे। तो आप समझिए कि राजनीति में ये हो गया। और आप सोचिए कि आप अगर दूसरे की मदद कर रहे हैं तो आप कुछ तो लालच रखते होंगे। इस समय आप सोचिए कि बिना लालच के मुझे नहीं लगता है कोई किसी की मदद करता है। आप किसी से दोस्ती भी करते हैं तो उसकी पोजीशन देखकर दोस्ती करते हैं। आप किसी से दो गरीब को दोस्त बनाना मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते हैं। तो यही राजनीतिक पार्टियों में भी है कि कोई अगर तुम्हें चंदा दे रहा है चुनाव जीतने के लिए तो उसके बदले वो भी कुछ चाहता है। तो ये ऐसा देखा भी जाता है, आपने देखा होगा कि कई नीतियां ऐसी बनती हैं जो इन कॉरपोरेट घराने होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, उनके हिसाब से बनाई जाती हैं। पर आप देखेंगे पारदर्शिता में कमी, तो ना तो दाता ना ही राजनीतिक दल यह बताने के लिए बाध्य हैं कि दान किसने दिया है। अब आप सोचिए कि आपको कैसे मालूम चलेगा, ना तो राजनीतिक पार्टियां बताने को तैयार हैं, ना ही जो दान दे रहा है वो बताने के लिए तैयार है कितना दिया, किसने दिया, कहां से आया, कैसे आया। समझ रहे हैं आप लोग। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सभी राजनीतिक दलें जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान मिला था को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष विवरण प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इसकी चुनाव आयोग की अगर बात करें हम लोग, तो आपने देखा होगा कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। जिस डेट को जरूर याद रखिए, कई बार आपका पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो ये संविधानिक आपका एक संस्था है, और आपको देखने को मिलेगा कहाँ, आर्टिकल 324 में इसकी व्याख्या एक तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका काम यही होता है कि चुनाव करवाना, राष्ट्रपति हो, फिर चाहे आपकी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर विधानसभा हो, उपराष्ट्रपति हो। लेकिन याद रखिए, स्थानीय चुनाव आपके राज्य निर्वाचन आयोग करता है, करवाता है, ना कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, एक बात याद रखिए। यह एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करता है, राजनीतिक जानकारी की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक अभिन्न तथ्य। यह राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को हतोत्साहित करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक जांच से कॉरपोरेट की पहचान को छुपाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे अपारदर्शिता, सरकार हमेशा यह जानने की स्थिति में है कि दाता कौन है, क्योंकि ये बॉन्ड SBI के माध्यम से खरीदे जाते हैं। जानकारी की यह विषमता तत्कालीन सरकार में प्रभुत्व रखने वाली राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होती है, जो भी पक्ष में एक तरह से सत्ता में पार्टी होती है उसके लिए फायदेमंद भी होती है। पर आप देखेंगे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें, जिस पर पूरी ये कहानी गढ़ी गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान करने का एक वित्तीय साधन है। और बॉन्ड आपके देखेंगे 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों के बिना किसी अधिकतम सीमा के जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और इन कैश करने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहता है। 15 दिनों के अंदर इसे एक तरह से मंजूर हो जाना चाहिए। ए बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के नाम में खाते में रिडीम करने योग्य होते हैं, जो पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है उसी के लिए होते हैं।
ये बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित है, हेतु जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति या तो अकेले या फिर अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड भी खरीद सकता है। बॉन्ड पर डोनर का नाम नहीं बताया जाता है। जो बॉन्ड खरीदता है, जिसने दान किया है एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसका नाम नहीं बताया जाता है। अब बात आती है केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। याद रखिए, संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर किसी संस्था का उल्लेख है तो उसे कह देते हैं संवैधानिक संस्था, ठीक है। जैसे चुनाव आयोग की बात कर ली हम लोगों ने, और वित्त आयोग की बात कर लें, फिर चाहे आपके संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय, क्योंकि अनुच्छेदों में इनका आपको एक तरह से व्याख्या करने देखने को मिलेगी। जैसे आपका आर्टिकल 324 हो गया, ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित हो गया। आर्टिकल 280 हो गया, ये आपका वित्त आयोग से संबंधित हो गया। तो क्या है, ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम के तहत एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है, जो कि आवश्यक समझी जाती है, ठीक है। नियुक्ति की बात करें तो वे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऐसे पद के लिए पद धारण करेगा। वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार अगर आप नियुक्त हो जाते हैं, दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। अगर सीआईसी की शक्तियां और कार्य की बात करें तो आरईटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना अनुरोध के बारे में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना, पूछताछ करना आयोग का कर्तव्य है। सीआईसी किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है अगर उचित आधार सो मोटो पावर हो। आयोग के पास सम्मन करने और दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक सिविल कोर्ट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे, सूचना के अधिकार की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने बड़े विस्तार से बात की हुई थी और आपको फॉर्म भी भरना बताया था किस तरह से आप सूचना मांग सकते थे। तो कोई कमेंट कर रहा था कि वो जिस सरपंच और सचिव के पीछे मैं हाथ जोड़ते हुए फिरता था, आज वो मेरे पीछे भाग रहा है। तो इसका उपयोग किया करिएगा, काफी मजा अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि हर कोई काम आपके गांव में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, उसके बारे में लिखिए सूचना का अधिकार, देखिए किस तरह से आपके सरपंच साहब, विधायक साहब आपके पीछे भागते फिरते हैं। कोई भी कहीं भी आपका काम नहीं हो रहा है, तुरंत सूचना मांगिए, क्योंकि इस सूचना के अधिकार के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ा। बहुत लोगों ने एक तरह से अपना जीवन दिया है इसे, तब जाकर आपको मिला हुआ है। इसी तरह के आपके मौलिक अधिकारों की बात आप देखते हैं संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। आपको इस अधिकारों को दिलाने के लिए कई लोगों ने एक तरह से शहीद हो गए, कई लोगों की जान गई, तब जाके आपको अधिकार मिले हुए हैं। उनका उपयोग करना तो बनता है, ये अलग बात है कि जो आराम से मिल जाता है उसकी कीमत हमारी नजरों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी यही है कि समझनी चाहिए उसकी कीमत। आसानी से मिला हो या अपनी दम पर मिला हो, मिला तो है, ठीक है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिए।